कौमी टीम के वर्ल्ड कप में बका के जंग, पाकिस्तान और बांग्लादेश कोलकाता में आमने सामने। सेमीफाइनल के दौर में रहने का आखिरी मौका। ग्रीन शर्ट्स को फाइनल फोर मरहले में रहना है तो बंगाल टाइगर्स को हराना होगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में से सिर्फ 2 में कामयाबी हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर ग्रीन शर्ट्स की 7वीं पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाप्त। इफाक ने केस में इल्तवा मांग लिया। दरख्वास्त दायर। फारूक किश्नाई की अदालत से दायर अपील को सुनने की इस्तदा। पहले इस केस में आप फरीक नहीं थे। चीफ जस्टिस फैसले से विफाकी हुकूमत कैसे मुतासरा फरीक है? जस्टिस अजहर मिनल्ला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का तफसीली फैसला आने दें, फिर इस केस को मुकर्रर कर देते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त तक कई मुकदमात का एहतसाब अदालतों से फैसला हो जाएगा। फारूक किश्नाई आप हमें फिर हल बताएं। चीफ जस्टिस तरामीम कलदम करार देने वाला फैसला मुअत्तल कर दें। फारूक किश्नाई फैसला मुअत्तल करने के अलावा एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले से रोका भी जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत का आज आखिरी रोज। कल से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। लाहौर डिवीजन में तारकीन वतन की तादाद 22,000 है। लिस्टें तैयार। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इंखला के लिए इंतजाम मुकम्मल। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग मराकज कायम। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1,04,481 अफगान पनाह गजीन अपने वतन वापस जा चुके हैं।